नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने पहली बार लाइव हुआ हूँ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हम किसी भी ट्रायली को अगर रिपेयर करते हैं, जो पुरानी है उसको रिपेयर करते हैं, तो हम जो साइड की चादर लगाते हैं अगर उसमें गैप आ जाता है तो हम उसे कैसे भरते हैं, हम किस तरीके से भरते हैं उस चीज़ को आज मैं आपको ये दिखाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। चलो हम अब वीडियो शुरू करते हैं, हम आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। आप ये वीडियो देखना और समझना हम इसमें आपको क्या बता रहे हैं। स्किप बिल्कुल भी मत करना और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। ये वीडियो का पहला पार्ट है, हम दूसरा पार्ट आपको कल या परसों भेज देंगे। देखो दोस्तों, आपको ये गैप दिखाई दे रहा है, हम इसको साफ करेंगे कपड़े से। कपड़े के बाद साफ करने के बाद हम उस पर एक एंगल का टुकड़ा रखेंगे, ठीक है। जो एंगल का टुकड़ा हमने रखा है उसके हम निचले साइड में एक वेल्डिंग के रोड इलेक्ट्रोड से टांका लगाएंगे, जिसकी वजह से वह घूमे नहीं, यानी कि अपनी तरफ ना खींचे। क्योंकि हम जब टांका लगाते हैं ना तो एंगल का रुख वो हमारी तरफ खींच जाता है। कुछ मान ले अगर लोहे को जॉइंट करते हैं किसी लोहे के साथ तो उसका खिंचाव ज़्यादा होता है। अब हम आपको इस एंगल को हम नीचे से जॉइंट कर रहे हैं, यानी कि नीचे से हम टांका लगा रहे हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर लगाएंगे, ऊपर लगाने के बाद हम इसमें वेल्डिंग भरना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको इसे जो हमारी काला शीशा होता है, स्क्रीन बोलते हैं जिसको, हम उसके बीच से आपको गैप भरते हुए दिखाई देंगे भी किस तरीके से हम उस गैप को भरते हैं। देखो आप, हम इस गैप को इस तरीके से भरते हैं। ये हमारी जो वेल्डिंग चल रही है उसके पीछे जो लावा इकट्ठा हो रहा है वो इस एंगल को जोड़ता है, धीरे धीरे इस एंगल को जोड़ता है। प्लीज़ भाई, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हाँ, एक और आप सभी को पता ही है कि जब कोई वेल्डिंग मार रहा हो अगर आप उसकी तरफ देखते हो तो इससे आपकी आंखों की रोशनी भी में भी फ़र्क पड़ सकता है। इसीलिए वैसे तो सबको पता है कि जो भी ये काम कराता है उसको सबको पता है कि इससे आंखें भी ख़राब हो जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ अगर नहीं पता है कि अगर कोई वेल्डिंग मारा तो आप उसकी तरफ ना देखें। कोशिश करें कि आप जितना दूर रह सकें उतनी दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये। और हाँ, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, आप इस वीडियो को ध्यान से देखना कि इसमें मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। अगर मैं आपको इस वीडियो में कुछ दिखा सकूँ या आपको समझा सकूँ तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। भाई, इस वीडियो को पूरा देखें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना। ये मैं आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के दूंगा अगर आप मेरा साथ दोगे। आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी मैं आगे कोई वीडियो बना पाऊँगा। और कल मैं आपको इसका दूसरा पार्ट दिखाऊंगा, इस पे पेंट वगैरह कैसे किया जाता है, किस तरीके से पेंट होता है, क्या किया जाता है, उसके बारे में सब बताऊंगा।